पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है, और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिसपे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है। ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH null, और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज, इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइज, कई बार बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए दुनिया में उनका सिर्फ एक ही धर्म है, और वो है इंसानियत। गाइज, मिलिए मोहम्मद शरीफ से, लोग उन्हें प्यार से चाचा शरीफ भी कहते हैं। पेशे से एक मैकेनिक है, वो पिछले 25 सालों में 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और वो भी बिना पक्षपात के। अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम चाचा शरीफ ने किया है। गाइज, आपको चाचा शरीफ की इस इंसानियत के पार्ट से क्या सीखने को मिला चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीजन नंबर 4 है, यू आर अफ्रेड टू फेल। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो रिस्क तो उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा, और फेलियर के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे नहीं तो जीतोगे कहां से। किसी गेम में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप 100% हारेंगे, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके 50% जीतने के चांसेस भी हैं। सो गेट रेडी टू फेल एज वेल गाइज, बिकॉज जो हारना नहीं जानता उसे जीतने का महत्व नहीं पता। बाकी रीजन जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मिलते अगले वीडियो में। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं है तो उसका रीजन नंबर 2 क्या हो सकता है। उसका रीजन नंबर 2 है कि आप अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आप बेटर लाइफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप अपनी इजी लाइफ को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप पूरे दिन अगर सेम ही काम करते रहोगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा कहां से। सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको आज सेक्रीफाइस करना होगा। अपने सपनों को जीना चाहते हो तो आज अपने सपनों के लिए मरना होगा। तो कमिट करो अपने आप से कि मैं अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाकी बचे हुए रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा, मिलते अगले वीडियो में। एक वक्त था पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो उसका रीजन नंबर 3 है, दैट यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हो तब आप क्या करते हो? क्या तब भी आप अपने पैशन को उतनी शिद्दत से फॉलो करते हो? कई लोग सिर्फ तभी काम करते हैं जब उनके आसपास लोग हो, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब आपके आसपास कोई नहीं हो, तब भी आप अपने पैशन को पूरे शिद्दत से फॉलो करते हो तो ही आप सक्सेसफुल कहलाते हो। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।